दिल बेचारा होमसिक का मारा। क्या आपने एक वार्ड सुना है जो है होमसिक? अगर नहीं सुना है तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अगर आप लोगों ने सुना है तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है। ज्यादा लंबा हम इसको नहीं खींचेंगे, छोटा सा वीडियो रखेंगे और आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा मजा आने वाला है। तो चले इधर से उठते हैं, फिर मैं आपको कुछ समझाता हूँ। सो होम और सिक, एक्चुअली होम सिक का मतलब ये है कि जब आप घर में बहुत दिन रह जाते हो, बहुत दिन अगर आप घर में स्पेंड करते हो तो आपको उसी जगह पर रहने का एक आदत बन जाता है, आपको उस जगह से अलग होने का कभी मन नहीं करता। तो वही हाल बिल्कुल हो चुका है मेरे साथ। मैं अभी ज़्यादातर घर में रुकने लगा हूँ, लॉकडाउन वजह से, शॉटडाउन की वजह से बस घर में ही रुका हूँ, ज़्यादा बाहर कभी जाता नहीं, तो इसीलिए होम सिक शुरू हो गया है। बस घर में रहने का बहुत इच्छा हो रहा है, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। वैसे बाहर कोरोना चल रहा है तो इस वजह से बाहर नहीं जा रहा हूँ, फिर भी बाहर कभी जाने का मन ही नहीं कर रहा है। घर में जब भेजते हैं कभी कुछ सामान लाने के लिए तब भी मन नहीं करता। तो 5 महीने से मैं अभी घर में हूँ, ज़्यादा कहीं बाहर जाता आता नहीं हूँ, बस घर में ही रहता हूँ ज़्यादातर, तो इसीलिए होम सिक शुरू हो गया है। जो होम सिक है क्या होता है कि घर के अंदर वो सारा चीज़ मिल जाता है मुझे। कौन सा वो सारा चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर मैं घर में बैठ के क्या करता हूँ, एडिटिंग वगैरह जो मेरा काम है वो सब करता हूँ। और इसका पहले वाले वीडियो में जो चेयर दिखा था वहाँ पर मैं हमेशा बैठता रहता हूँ, और वहाँ पर मैं जितना सारा शूटिंग वगैरह होता है उसका एडिटिंग करता हूँ, या फिर कोई नया शूटिंग के लिए कोई कॉन्सेप्ट वगैरह वो सोचता हूँ, स्टोरी वगैरह वो सब सोचता हूँ। तो इन्हीं सारे चीज़ों की वजह से मुझे होम सिक हो गया है। तो होम सिकनेस से दूर रहने के लिए मुझे एक आइडिया है कि सुबह जरूर जल्दी उठूंगा और जल्दी उठ के आप लोगों के लिए डेली व्लॉग्स तो नहीं बल्कि 2-3 दिन में एक व्लॉग जरूर शूट करके अपलोड करूंगा। अगर काम फ्रिक्वेंटली रहेगा तो बाहर जाने का दिल करेगा और बाहर मैं जाऊंगा। अगर आपको भी ये होम सिकनेस हो गया है तो मुझे नीचे जरूर कमेंट करके बताइए। दोस्त लोग कॉल करते हैं तो उनके साथ बस बात हो जाता है, लेकिन आजकल क्या हुआ है कि कोरोना उनके घर के नज़दीक निकल गया। जो हिमांशु है और सोमन है उनके घर के नज़दीक कोरोना पॉजिटिव लोग निकल गए, तो इसलिए वो लोग अब नहीं आ रहे हैं। और हमारा जो खट्टी चल रहा था, खट्टी जो मैं पहले बोल रहा था, जो मीटिंग चल रहा था ग्रुप मीटिंग, वो अब नहीं हो रहा है। तो पहले क्या होता था कि जब वो लोग आते थे तो हम लोग इवनिंग में आते, यहाँ एक छत के ऊपर वो रहा, ये छत के ऊपर इधर बैठते थे, अदरवाइज यहाँ पर जो जगह है इधर बैठ के बात करते थे। तो जब से उनके घर के नज़दीक कोरोना वायरस निकल गया वो सब नहीं आ रहे हैं। इसके बाद ये हुआ कि जब मैं शूटिंग कर रहा था तो कॉल आ गया अमित भैया का, वो बोलने लगे कि वो कोई व्लॉग शूट करने जा रहे हैं तो क्या मैं जाऊँ। तो मैंने बोला बिल्कुल, अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ आऊँगा। तो मैं और अमित भैया दोनों निकल गए व्लॉग करने। सो ये जगह मुझे बहुत खूब लगता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं होते, रास्ता वाइड होता है और लोग बहुत कम होने के कारण गाड़ी बहुत आराम से यहाँ स्मूथली चलता है, और आप इस जगह पर नेचर का ही मजा उठा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे फुल ऑफ ऑक्सीजन। पहुँच गए एक खूबसूरत लोकेशन में, यहाँ पर थोड़ा शूट वूट होगा। तो मैं जो चीज़ बोल रहा था आप लोगों होम सिकनेस के बारे में, अगर आप लोग ज़्यादातर घर में रहेंगे तो आप उसका एडिक्ट हो जाएंगे और आपको बाहर जाने का मन नहीं करेगा। ये एक बहुत खूबसूरत लोकेशन है जहाँ पर मैं आया हूँ, ये आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। अगर आप मेरे पहले वाले व्यूअर से, बहुत पुराने व्यूअर से, तो आपको पता चल चुका होगा ये जगह कौन सा है। यहाँ पर आज थोड़ा हवा खाने हम लोग आए हैं, ये शहर से बहुत दूर है और आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई भी नहीं है इस लोकेशन में, तो मजा आता है इस जगह पर आने में। सो आज मैं हाफ पैंट में चला आया बहुत मजा आया है लेकिन इस जगह पर आने के लिए। एनीवे ये देख सकते हैं किस तरह के जगह पे हम लोग जा रहे हैं, और वो भाई साहब को आप लोग पहले ही वीडियो में देख चुके हैं, तो उनके साथ आज मैं आया हूँ इधर। क्या राजस्थान में मिलता है, कैक्टस, ये देखिए कैक्टस यहाँ पर हो गया है, कैक्टस उग चुका है इधर। ये बहुत कांटे वाले चीज है, चुभ जाते हैं, ठीक है, इनसे जरा बच के रहेगा, ये जो कांटा होते हैं ये चुभ जाते हैं। तो एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूँ, एक दिन की बात है, अमित भैया मुझे यहाँ पर घुमाने लाए और बोले ये देखिए ये देखो कितना खूबसूरत जगह है। तो उनसे पहले शायद 2 साल पहले मैं भी ये जगह पे आ चुका हूँ और यहाँ पर घूम चुका हूँ। तो एक चीज मैं आपको बताऊँ, अमित भैया का हमारा जो कैमरा है एक्शन कैमरा, उसका बैटरी खत्म हो गया है, अब वो बैटरी चेंज करने लगे हैं। ये बैटरी खत्म हो गया, बस इतना है, इतने में ही नहीं, हाँ पहले से ही खत्म था, हाफ था। अच्छा, तो अब दूसरा बैटरी चेंज होगा, यहाँ पर थोड़ा शूटिंग वगैरह होगा। तो बाकी का वीडियो मैं ओडिया चैनल में डालूंगा, बस इतना था इस चैनल में।
बाकी जो शूट होगा वो ओडिया में शूट होने वाला है, तो ओडिया चैनल में जरूर जाके इसके बाद वाला वीडियो देखिए, ठीक है। तो हम लोग इधर से निकलेंगे, कब यहाँ पर क्या क्या हुआ इसके आगे आप लोग ओडिया चैनल में देखिए। तब तक के लिए इधर अलविदा बोलते हैं और घर में चलते हैं, सीधा घर में। फिर से मैं घर में वापस आ गया। अगर आपको भी मेरी तरह होम सिकनेस हो गया है तो इससे प्रिवेंट करने का तरीका वो मैं आपको भी बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तब भी आपको समझ में आएगा कि होम सिक से दूर रहना चाहिए कि नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। तो पहले क्या होता था कि मैं हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग बहुत टाइम हॉस्टल में नहीं गुजारते, कॉलेज में ज्यादातर वक्त गुजारते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमारा क्लासेस शुरू होता था 10 बजे और खत्म होता था 5:30 बजे। बीच में बस हम एक बार हॉस्टल आते थे खाने के लिए, उसके बाद खत्म। लेकिन क्या हुआ कि जब से कॉलेज बंद हो गया कोरोना वायरस की वजह से, घर में मैं आ चुका हूँ, शायद 5 महीने अब तक हो चुका है। तो यहाँ पर मेरा बेड है, जितना रेस्ट लेना चाहिए उतना रेस्ट लेता हूँ, उसके बाद जितना वक्त रहता है वो सब वीडियो में चला जाता है कि आगे कौन सा वीडियो आएगा। जैसे कि ये टॉपिक मैंने खुद पिक किया, ये वक्त के लिए ये टॉपिक सही है, आप लोगों को ये सारी चीज जानना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक को चूज किया है। सो होम सिकनेस से बचने का पहला तरीका ये है, अगर आप तो अभी बाहर नहीं जा सकते, बहुत रेयर आप लोग बाहर जा सकते हैं, आपको क्या करना होगा कि घर के अंदर अगर आप जितना वक्त गुजारते हैं गुजारिए, उसके बाद छत के ऊपर चले जाइए, थोड़ा घूमिए और अपना गली मोहल्ले में थोड़ा मॉर्निंग वॉक कीजिए या फिर इवनिंग वॉक कीजिए, तब भी आप होम सिकनेस से दूर रह सकते हैं। और मेरे साथ होम सिकनेस होने का वजह ये है कि मैं पहले सुबह उठ के जाता था वहां पर एक्सरसाइज करने के लिए, वो जो जगह मैंने दिखाया वो SP सांस बोतल, वहां पर मैं जाता था एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन अब 15 दिन हो गया शायद मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सुबह उठने के बाद वीडियो को एडिटिंग करके अपलोड करना रहता है, अपलोड करते करते धीरे धीरे बज जाता है 9, तो तब बहुत धूप आ जाता है, अभी बारिश हो रहा है बाहर तभी बहुत धूप आ जाता है, तो इसलिए मैं बाहर नहीं जा पाता हूँ। तो यही सारा मसला है जिसके वजह से मुझे होम सिकनेस हो गया है। एनीवे, सुशांत सिंह राजपूत का दिल बेचारा आप लोगों ने देखा कि नहीं, जरूर नीचे कमेंट करके बताना, अगर आपने देखा तो आपको कैसा लगा। और मुझे तो कुछ ऐसा लगा कि उसमें बहुत कुछ मिसिंग था, मतलब कुछ पार्ट बहुत कट हो चुके हैं, बहुत छोटा सा मूवी उसको कर दिए हैं कट कट करके। आपको भी ऐसा लगा कि उस मूवी को बहुत छोटा कर दिया गया है, अगर आपको लगा तो नीचे भी कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मुझे ही पता चले। अगर आप लोगों ने देखा नहीं तो जरूर देखिए, अगर देखे हो तो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। सुशांत सिंह राजपूत वाज सच ए टैलेंटेड एक्टर जिनको हम लोगों ने खो दिया है, फिर भी उनका मूवी वो आखिरी मूवी है उसको ध्यान से अगर आप देखते हैं तो उस फिल्म में दिखाया गया है कि उनका एक पैर काटा गया है, तो इसलिए वो लंगड़ा के चलते हैं। तो जब भी कैमरा एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में रहता है तब भी वो लंगड़ा के चलते हैं, ये चीज मुझे बहुत पसंद आया कि वो बस पूरा कैरेक्टर में घुस चुके हैं। यही चीज एक एक्टर के अंदर रहना चाहिए, जिस भी कैरेक्टर को वो प्ले करते हैं उसी में ही उनको पूरा का पूरा एफर्ट देना चाहिए। तो यही चीज सुशांत सिंह राजपूत का मुझे बहुत पसंद आया उस फिल्म में। एनीवे गाइस, दैट्स द वीडियो फॉर टुडे। आप लोगों के लिए 2 सवाल है, पहला सवाल आपको दिल बेचारा मूवी कैसा लगा, दूसरा सवाल क्या आप भी होमसिक है, ये 2 सवाल का जवाब मुझे जरूर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका एक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ आवर स्वीट FN फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।